किसका चलेगा जादू आज, कौन होगा फ्लॉप। बात करने वाले हैं आपका सेकेंड T20 मैच जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच की हमारी क्या होगी फाइनल्स, GL का टीम कौन होगा, ट्रंप कौन होगा, फ्लॉप किसको हम करेंगे आज अपने ग्रैंड लीग टीम के अंदर, CVC किसका चलेगा आज, फ्री की बॉलर्स बैटर्स कौन होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिक, GL के टीम में रिक्सी कौन कौन प्लेयर्स हैं और कौन सा प्लेयर्स जो होंगे उभर कर आपके बीच से निकलते हुए नज़र आते हैं, तो देखते हैं। बात करने वाले हैं इस मैच की पूरी हम जीवन कुंडली की, यानी अगर पहले बार होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच कीजिए। तो बात करने वाले हैं दोस्तों इस मैच की फाइनल हमारी पूरी डिटेल्स में, क्या रहने वाली है इस मैच की हमारी फाइनल्स ग्रैंड लीग की टीम। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, पिच कैसी बिहेव करेगी, पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली कौन से बैटर्स को हम इंक्लूड करेंगे, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाले बैटिंग करने वाले कौन कौन से बैटर्स को इंक्लूड करेंगे, हर पहलू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका, एनीवे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हर दिन फैंटेसी से हार रहे हैं, हारते हारते परेशान हैं, पूरे लाइफ फैंटेसी से हार रहे हैं, पूरे जीवन काल फैंटेसी से हार रहे हैं, बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि छोटे भाई को वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हर दिन वीडियो को वॉच करो, आपकी जीत आपकी कदम चूमेगी। चलो बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, मैच खेली जाएगी क्वीनबेरा में खेली जाएगी और ST जॉर्जिया पार्क भी ये मैच खेली जाएगी। ऑब्वियसली पहले इंडिया इस वेन्यू पर मैच खेल चुकी है और T20 फॉर्मेट की मैच विन करके भी आ चुकी है, ठीक है। चलो बात करते हैं पिच कैसी बिहेव करेगी, तो देखो यहाँ की जॉर्जिया की जो पार्क है निश्चित रूप से बैटिंग सरफेस है, भाई मेरे रन लगते हैं, तगड़ा रन लगते हैं, है ना, रन की कमी नहीं होती है, बढ़िया स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 200 प्लस की एवरेज स्कोरिंग देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ कि आप पेसर्स को लोगे या स्पिनर्स को अपने फैंटेसी टीम में, आखमुद को ग्रैंड लीग टीम में, पेसर्स को CVC कर दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों इनिंग में, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पेसर्स को मैं बोला तो आप 2-4-5 स्पेसर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या करना 3+ स्पिनर्स भी अपने फैंटेसी टीम में इंक्लूड करके चलना है, किस किस को करना है आगे बताने वाले हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं विकेट कीपिंग फॉर्मेट में फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, वे टिप्स जो कि आपके काम के लायक है, आप किस से प्लेयर्स बैटर्स को अपने फैंटेसी टीम में लेकर चलोगे, है ना। चलो विकेट कीपिंग फॉर्मेट में सबसे पहले नाम आता है आपका हेनरी क्लासेन का, मिडिल ऑर्डर का सबसे बेस्ट पिक है, पिछले मैच में फ्लॉप गया था, लेकिन ग्रैंड लीग की अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा। लेकिन एक चीज़ है थोड़ी सी, वहाँ पे जैसे पिछले मैच में मैंने बताया हुआ था कि स्पिन के साथ फंस जाता है, ऑब्वियसली इसके साथ थोड़ी सी यही मेन फैक्ट रहती है हेनरी क्लासेन के साथ में, है ना, स्पिन के साथ थोड़ी फंस जाता है और टीम इंडिया में गूगली मास्टर्स है, ऑफ ब्रेकर्स है, लेग ब्रेकर्स है, तो थोड़ी सी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, 3-3 स्पिनर्स हैं। तो एनीवे हेनरी क्लासेन किसी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करो तो मैं आवेज दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। बाकी संजू सैमसन पिछले मैच में काफ़ी तबाहतर बड़ी पारी खेल के आ रहा है, 100 सेंचुरीज मास्टर्स है, तो ग्रैंड लीग की टीम में ऑब्वियसली ट्राई करो, फर्स्ट सेकेंड जब भी बैटिंग कर रही है कर ले रहा है करो और CVC ले सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। रिकल्टन पहले बैटिंग करते हुए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग की टीम में, सेकंड बैट करे ड्रॉप करके जाना, एनीवे हम लगता है कि आज भी ट्रंप कैट पिक हो सकता है। चलो बात करते हैं सूर्या के फिर की चलेगी या नहीं चलेगी, बैटिंग फॉर्मेट की बात आ जाती है, अब बैटिंग ऑर्डर्स में किस किस बैटर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन, पहले इनिंग में बैटिंग करने वाले कौन कौन से प्लेयर्स को ले सकते हो, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाले कौन कौन से प्लेयर्स को ले सकते हो, कौन ट्रंप होगा और कौन आपको फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है देख लेते हैं। सूर्या हिटर में इस टाइप का बैटर्स दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, पिछले मैच में हमें लगता है कि आज इसकी बड़ी पारी आने की उम्मीद है, जील के टीम में वाइस कैप्टन कर सकते हो, कैप्टन नहीं बनाना। डेविड मिलर्स हमें लगता है कि आज ट्रंप कार्ड साबित तो हो सकता है, डेविड मिलर और एक एडम माकरम, ये दोनों में से किसी एक को अपने फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना, क्योंकि एडम माकरम आपको ऑलराउंडर से बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, ठीक है। बाकी टिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आएगी, भाई हिटर मिस टाइप का बैटर्स तो है ग्रैंड लीग की टीम में, ऑब्वियसली आंख मुद के ट्राई कर सकते हो, बाकी उसके साथ टिस्टन स्टब्स और तिलक वर्मा, ये दो को आप ड्रॉप नहीं करोगे ग्रैंड लीग की टीम में, चूंकि तिलक वर्मा पिछले मैच में भी मैंने बताया होता है कि ट्रंप कार्ड साबित रहने वाला है और ऑब्वियसली ट्रंप कार्ड साबित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नहीं मैंने नहीं वीडियो अपलोड की था सॉरी, और ना ही मैंने लाइव सेशन किया हुआ था। रिंकू बैटिंग प्रमोशन लगेगी, ऑब्वियसली पहले बैटिंग करें सेकंड में करें, आज ड्रॉप के आधार पर ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं ऑलराउंडर फॉर्मेट में आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑलराउंडर फॉर्मेट से किस किस ऑलराउंडर को आप ग्रैंड लीग के टीम में ले सकते हो, किस किस ऑलराउंडर को आप CVC कर सकते हो। सबसे पहले नाम आता है हार्दिक पांड्या, पिछले मैच में पूरे फैंटेसी जगत जो थी हार्दिक पांड्या को CVC कर दो, और उसके बाद अभिषेक शर्मा को प्लस में आपका, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को CVC लॉक किया हुआ था और तीनों के तीनों फ्लॉप गए थे, है ना। हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली
बॉलिंग मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आएगी, बॉलिंग करेगा तो ग्रैंडली की टीम में किसी एक में करो सीबीसी ले सकते हो। मार्को जॉनसन ऑब्वियसली 4 ओवर बॉलिंग करेगा, और मार्को जॉनसन से बैटिंग थोड़ी सी नीचे जाएगी लेकिन बॉलिंग से आपको प्रभावित कर सकता है, यह है ना, तो 1-2 विकेट निकाल के दे सकता है। पहले बॉलिंग करे बाद में करे ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल ओवर कन्फर्म नहीं है, बाकी अभिषेक शर्मा हिटर मिस टाइप का बैटर से जीएल के टीम में कभी भी बड़ी पारी आप इसे खेल देख सकते हो। बाकी यानी पैट्रिक क्रुगर्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। बात करते हैं बॉलिंग फॉर्मेट में, हर्षदीप 3 फॉर्मेट में बॉलिंग करेगा, टॉप मिडिल डेथ सीबीसी जा सकते हो। केशव महाराज 2nd में बॉलिंग करे, ग्रैंड लीग की टीम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद रवि बिश्नोई पहले बॉलिंग करे 2nd में करे कभी भी विकेट टेकर्स बॉलर से, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादातर 2nd में बॉल अगर बॉलिंग करेगा तो वहाँ पे सीबीसी करना, 1st में करेगा आपके लिए कुछ फ़ायदे में नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉटजी 3 फॉर्मेट में बॉलिंग, मेन पेसर से टीम का दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आवेश खान, ग्रैंडली का टीम में ट्रंप रहने वाला। वरुण चक्रवर्ती पहले बॉलिंग करे बाद में करे आपके लिए दोनों ही इनिंग में यह विकेट निकाल के दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फिरकी होती है बहुत तगड़ी होती है और वहाँ पर आपको विकेट निकाल के दे सकता है, तो ऑब्वियसली किसी टीम में सीबीसी कर सकते हो, ठीक है। बाकी पैटर्स पहले बॉलिंग करे आज ट्रंप रहने वाला है ग्रैंडली की टीम में, ठीक है। पैटर्स और आपका और सिमिल लैंड ये दोनों में से किसी एक को ट्रंप आज आप देखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं आज की हमारे फाइनल्स के टीम रहने वाले, तो ये जो कि आज की हमारी फाइनल टीम तो ये है जो कि आज की हमारी फाइनल्स ग्रैंड लीग की टीम है। बाकी हम लाइव सेशन भी करेंगे, तो आप लोग लाइव सेशन में जुड़िए, 5 बजे लाइव सेशन चलेगी इस मैच की, तो वहाँ पे आपको और भी पूरी जानकारी, पूरी मैच एनालिसिस, पूरी डिटेल्स में आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, कम्बिनेशन में बताऊँगा कि कम्बिनेशन आप कैसे करोगे आज की मैच की, है ना। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।